नमस्कार दोस्तों, एनके नौकरी क्रेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया। दोस्तों ये रिजल्ट 16 अप्रैल को मंगलवार की रात को घोषित किया गया है दोस्तों, जिसमें से 84.58% बच्चे पास हुए हैं दोस्तों, 15.42% बच्चे फेल हो गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा जिला यहाँ पे टॉप वन पे रहा है और कौन सा जिला यहाँ पे अंतिम पे रहा है। दोस्तों अब जिस भी जिले से एग्जाम दी है आप देख सकते हैं आपका जिला अव्वल रहा है, कौन सा नंबर पे रहा है आप देख सकते हैं अच्छे से। और लास्ट में मैं आपको ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से ग्रेड दिया गया है यहाँ पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा में राज्यभर से 84.58% बच्चों को सफलता मिली, जिसमें 15.42% बच्चे फेल हो गए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मंगलवार को 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिया और राज्यभर से कुल 489,872 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 414,319 विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हो चुके हैं और 75,533 बच्चे अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो पहली बार OMR सीट पर परीक्षा ली गई थी झारखंड बोर्ड की तरफ से। परीक्षा के परिणाम में छात्रों को परसेंटेज की जगह A+ से लेकर D ग्रेड तक दिया गया। यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया गया, यहाँ पे ग्रेड दिया गया है। तो ग्रेड सिस्टम के बारे में लास्ट में बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे 8वीं बोर्ड की परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी, सवा 2 महीने के बाद इसका रिजल्ट जारी किया गया। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो जिला टॉप पे रहा उसका नाम है हजारीबाग। हजारीबाग में लगभग 91.78% बच्चे पास हुए हैं। यहाँ पे हजारीबाग जिले के बच्चों का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा, यहाँ पे 91.78% बच्चे पास हुए हैं। सबसे खराब प्रदर्शन जामताड़ा का रहा है, वहाँ के केवल 69.20% बच्चे ही उत्तीर्ण हो चुके हैं। हजारीबाग से बता देता हूँ कि 27,744 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 25,464 बच्चे सफल हुए हैं। और वहीं जामताड़ा में 11,508 बच्चे शामिल हुए थे, जबकि उसमें से 7,963 बच्चे ही सिर्फ पास हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्रम वाइज में बता रहा हूँ, टॉप वाइज बता रहा हूँ कौन सा जिला टॉप पे रहा है। यहाँ पे हजारीबाग सबसे पहले नंबर पे, हजारीबाग यहाँ पे 91.78% बच्चे पास हुए हैं। दूसरे नंबर पे कोडरमा में 91.41% बच्चे पास हुए हैं। तीसरे नंबर पे हमारा रांची है, रांची में देख सकते हैं 90.96% बच्चे पास हुए हैं, इस बार रांची पिछड़ गया है। और चौथे नंबर में आप देख सकते हैं गोड्डा, यहाँ पे 90.58% बच्चे पास हुए हैं। अब जिस भी जिले से एग्जाम दिए हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाँचवें नंबर पे क्रिटी में 89.44% बच्चे पास हुए हैं। छठे नंबर पर है चतरा से 87% बच्चे पास हुए हैं। और सातवें नंबर पर हैं धनबाद से 87.67% बच्चे पास हुए हैं। आठवें नंबर पे हैं पलामू से 86.09% बच्चे पास हुए हैं। और नौवें नंबर पे हैं रामगढ़ से 85.41% बच्चे पास हुए हैं। और दसवें नंबर पे हैं गढ़वा से 84.05% बच्चे पास हुए हैं। और ग्यारहवें नंबर पे हैं सिमडेगा से 83.56% बच्चे पास हुए हैं। और बारहवें नंबर पे है बोकारो से 83.28% बच्चे पास हुए हैं। और तेरहवें नंबर पे है गुमला से लगभग 83.01% बच्चे पास हुए हैं। और चौदह नंबर पे है दुमका से 83.01% बच्चे पास हुए हैं। और पंद्रहवें नंबर पे सरायकेला से 82.65% बच्चे पास हुए हैं। सोलहवें नंबर पे देवघर से 82.56% बच्चे पास हुए हैं। और सत्रहवें नंबर पे हैं पश्चिम सिंहभूम से 80.44% बच्चे पास हुए हैं। और अठारहवें नंबर पे लोहरदगा से 80.40% बच्चे पास हुए हैं। और उन्नीसवें नंबर पे हैं पाकुड़ से 79.27% बच्चे पास हुए हैं। और बीसवें नंबर पे लातेहार से 75.31% बच्चे पास हुए। और आगे देख सकते हैं 21 नंबर पे हैं पश्चिम सिंहभूम से 71.98% बच्चे पास हुए। और 22वें नंबर पे जामताड़ा, जिसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं जामताड़ा से केवल 69.20% बच्चे पास हुए हैं, बहुत बच्चे यहाँ पे फेल हुए हैं, लगभग 31% से ज़्यादा बच्चे फेल हो गए।
यहाँ पे दोस्तों ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया, पहली बार OMR सीट पे एग्जाम लिया गया झारखंड बोर्ड की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम समझने में आठवीं बोर्ड के छात्राओं को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम किस हिसाब से दिया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज नहीं दिया, यहाँ पे 80% अगर आपका आता है, 80% आता है या 80% से ज्यादा आता है तो आपको A+ ग्रेड दिया जाएगा। और जो आपका फाइनल स्टेटस दिखाया जाएगा एक्सीलेंट दिखाएगा, मतलब एक्सीलेंट आपका आपको कहा जाएगा 80% या 80% से एबो होने पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं 60% से अगर आपका ज्यादा है और 80% से कम है और या फिर 80% ही है तो आपको A ग्रेड दिया जाएगा और वेरी गुड फाइनल स्टेटस में लिखा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर आपका यहाँ 45% से ज्यादा है और 60% से कम है या 60% ही है तो आपको बी ग्रेड दिया गया होगा और स्टेटस में आपका गुड लिखा होगा। अगर आगे आप देख सकते हैं अगर आपका मार्क्स 33% से ज़्यादा है और यहाँ पे 45% से कम है या 45% है, आपको सी ग्रेड दिया गया होगा और फाइनल स्टेटस में एवरेज लिखा गया होगा। और या फिर आपका जो मार्क्स है 33% से कम है या सिर्फ 33% ही है तो यहाँ पे आपको डी ग्रेड दिया गया होगा। डी ग्रेड सबसे नीचे का ग्रेड होता है, यहाँ पे मार्जिनल लिखा होगा फाइनल स्टेटस में। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि कौन सा जिला अव्वल रहा है और कौन सा जिला अंतिम स्थान पे रहा है, ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की रेगुलर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाया करेगा। तो जय हिंद, आज के वीडियो में बस इतना ही।